उसका तो स्टार्टिंग में जब लेके गए थे उस दिन कहना था कि भाई जो डूब के मरेगा उसकी मुठियाँ बंद रहती हैं, और इसकी मुठियाँ बिल्कुल खुली हुई थी। उसके बाद में ये एक प्लान क्या है, एक आदमी कर नहीं सकता, वो पूरे परिवार ने मिलके की है। एक तारीख को जब मुझे पता चला इसके बारे में कि भाई ससुराल पक्ष से उसके मामा ने फ़ोन किया है कि लड़की की एक होद में डूबने के कारण मौत हो गई, तो ये पहले सुनते ही पहले तो मुझे हजम नहीं हुई ये बात कि भाई होद में गिरने से किसी बच्चे की तो हो सकती है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो डेली वहीं काम करता है या जो हमारा होद होता है उसका जो ढक्कन होता है वो 2x2 का होता है, उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई डूब के मर जाए और शरीर पे कोई चोट का निशान भी ना हो। तो पता लगा दूसरे दिन, फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए नारनोल उसके पोस्टमार्टम के लिए, जो मेडिकल से बोर्ड से जो पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद में वहाँ पर जो लड़के पक्ष से है वो कोई भी व्यक्ति वहाँ से आया नहीं, ना तो कोई बातचीत करने के लिए। मैं मान लूँगा चलो वो निर्दोष हैं, लेकिन कम से कम जो जाँच एजेंसी है उनका सहयोग करे, वो घर से गायब हैं, ना ही हम लोगों से गांव में, चलो इनकी आपस की कोई बात भी थी तो ग्राम पंचायत है, गांव में सरपंच है, उनसे आके मिले, और भी काफ़ी मामले होते हैं घर में 5 आदमी बैठ के हम सुलझा लेते हैं। वहां पे ना तो उनके परिवार से कोई आया, ना कोई बुजुर्ग गांव से, जैसे सरपंच तो कोई बात कर ही सकता था, गांव के बुजुर्ग कोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बात कर सकते थे उस मामले को लेकर, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई। फिर उसके बाद में हमारा और इनके परिवार का यही प्लान था कि लड़की हमने शादी कर दी तो उसके दाह संस्कार का प्रोग्राम अपन वहीं करेंगे, अगर वो लोग कहते हैं कि डेड बॉडी हम ले जाएंगे तो हम यहीं दाह संस्कार उसका करवा देंगे। लेकिन हमारा जो शक यकीन में बदल गया, ना उनके यहाँ से कोई आया, ना किसी ने कोई पहल की, हम लोग डेड बॉडी को लाकर यहाँ पे दाह संस्कार किया नांगल सिरोही में, किसी ने कहा नहीं, तो हमें तो ऑब्वियस लेके आना था यहाँ पे। उसके बाद में ये एक प्लान हत्या है, एक आदमी कर नहीं सकता, वो पूरे परिवार ने मिलके की है। अभी बोर्ड की अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, बाकी डॉक्टर्स का तो स्टार्टिंग में जब लेके गए थे उस दिन कहना था कि भाई जो डूब के मरेगा उसकी मुठियाँ बंद रहती हैं, और इसकी मुठियाँ बिल्कुल खुली हुई थी। तो ये कुछ विषय हैं जिसमें जांच के विषय हैं ये, तो पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी से काम करे और जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे।